गुड मॉर्निंग क्लास 7, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर डूइंग वेल, फिट एंड हेल्दी एट होम, राइट? सो अगेन वी आर फेसिंग द सेकंड फेज ऑफ कोविड-19, राइट? ये जो पैंडेमिक डिजीज है, ये पैंडेमिक है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बट वी हैव टू कंटिन्यू आवर स्टडीज, हमें कंटिन्यू करनी है सब स्टडीज. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस. हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही. एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव परचेज योर बुक, आई होप यू हैव परचेज योर बुक्स, एंड यू हैवंट परचेज योर बुक, यू परचेज इन वन टू डे, एक दो दिन में आप अपनी बुक्स खरीद लीजिए. एंड यू विल हैव योर इंग्लिश क्लासेस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. आपकी क्लासेस कब से होंगी? फ्रॉम मंडे टू सैटरडे यू विल हैव योर इंग्लिश क्लास. इंग्लिश क्लास होगी आपकी मंडे से सैटरडे. डेली यू विल हैव 20 मिनट्स टू रीड, आपके पास वीडियो आएगा. एंड इफ वी हैव समथिंग अगर होता है तो यू विल स्टार्ट अ ऑनलाइन क्लास. एंड यू ऑल नो, आप लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, यू ऑल नो, राइट? एंड वी हैव योर टू बुक्स इन योर रीडर एंड योर इंग्लिश. आपके पास दो बुक है. फर्स्ट वन इज दिस योर इंग्लिश पार्टिकल, सेम द चैप्टर्स अलग है. दिस इज योर रीडर बुक एंड ग्रामर, यू ऑल नो फन विद ग्रामर. एंड वॉट विल बी द प्रोसीजर ऑफ डूइंग होमवर्क? वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक टू सेपरेट कॉपीज फॉर ईच बुक. आपको दो सेपरेट कॉपीज बनानी है ईच बुक के लिए. रीडर की अलग बनानी है, ग्रामर की अलग बनानी है आपको. और आपको क्या करना है, डेली उसी तरीके से जैसे हम पहले करते थे, आपको होमवर्क उसी तरीके से करना है. फर्स्ट आई विल गिव यू दी रीड द चैप्टर्स. और आपको क्या करना है, उनके हार्ड वर्ड्स करने टिल द एंड ऑफ दी चैप्टर्स. और एंड में हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. दिस विल बी द प्रोसीजर ऑफ डूइंग होमवर्क. एंड यू हैव टू सेंड मी डेली योर होमवर्क. आपको डेली अपना होमवर्क मुझे भेजना होगा. एनी हाउ, आप डेली मुझे मेरे नंबर पे जैसे पहले भेज चुके, यू हैव टू सेंड मी योर बुक टू मी ऑन माई पर्सनल नंबर. एंड इफ यू हैव एनी सर्टेन काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर 1, दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड. बेस्ट, बेस्ट इज सर्वोत्तम. क्रिसमस, क्रिसमस कब आती है? क्रिसमस हुई थी 1914 में. एंड कैन यू गेस विच वॉर इट इज, कौन सी वॉर थी? यह
मुझे ये जो पहली बार है ये जो भी मुझे जो मिला है ना वो कहाँ मिली थी, जग शॉप में, ब्रिटपोर्ट। ब्रिटपोर्ट इज अ प्लेस, एक जगह का नाम है ब्रिटपोर्ट। और रोल टॉप डेस्क क्या थी? एक रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप होती है एक जो टेबल होती है, आपने कुछ पिक्चर्स में देखा होगा, एक सर्टेन काइंड ऑफ टेबल जो क्या होती है, इसका सेंट जो ऊपर अपर वाला पार्ट है वो क्या होता है, रिवॉल्विंग होता है। रिवॉल्विंग मतलब होता है घूमता है। देखियो क्या आपने मूवीज में, रियल लाइफ में भी कई लोगों की घर में होती है, जिसका जो रोल, जो ऊपर का जो सेंटर होता है पार्ट, इट यूज टू रिवॉल्व, क्या करता है, घूमता है। सो उसने पहली बार उस टेबल को कहां देखा था, उस जंक शॉप में या फिर उस कबाड़ी की दुकान में। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century। जो दुकानदार ने कहा कि ये कब की है, अर्ली, अर्ली मतलब प्रारंभ, प्रारंभ मतलब शुरुआत, शुरुआत जब 19th century या राइट 19th century की जब शुरुआत हुई थी तभी की ये जो टेबल है तब की बनी हुई है, दुकानदार ने मुझे ऐसा इन्फॉर्म किया। आई हैड वॉन्टेड वन, जो राइटर थे माइकल मॉर्कर, वो उनको ऐसी टेबल चाहिए थी, यानी कि उन्होंने क्या चाहिए थी, ऐसी एक टेबल चाहिए थी। बट देवर टू फॉर टू एक्सपेंसिव, बट वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, देवर फॉर टू एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा क्या थी, एक्सपेंसिव थी, बहुत ही ज्यादा महंगी थी, एक्सपेंसिव इज महंगी। दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन, बट ये जो टेबल थी ये बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में थी, बहुत ही ज्यादा मतलब इसकी जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो ऊपर जो रोल टॉप था उसके बहुत ही ज्यादा क्या हो गए थे, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वन लेग क्लम्सी मेंडेड, और एक पाए होते हैं, पाए टेबल के जो लेग्स होते हैं, पाए होते हैं, उनमें से तो एक तो मतलब यूं ही टिका हुआ था कि कभी भी वो गिर जाएगा, उसका जो पारा था इट विल फॉल एनी टाइम, कभी भी गिर जाएगा। स्कॉच मार्क ऑल साइड बर्न डाउन, और स्कॉच मार्क्स के बर्न मार्क्स, स्कॉच मार्क्स को क्या बोलते हैं, बर्न मार्क्स, पूरी एक साइड में थे उसके स्कॉच मार्क्स, कहां थे, पूरी एक साइड पर जलने के जो टेबल थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, जली हुई थी एक साइड से। सो इट हैज स्कॉच मार्क्स, पूरे जलने की निशान जले। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और जो शॉपकीपर था मतलब उसको बेचने के लिए बहुत ही कम पैसे के लिए उसे बेचने के लिए तैयार था, बिकॉज वो वर्ल्ड क्लास थी, उसकी कोई भी प्राइस टैग नहीं थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, बट जो राइटर थे माइकल मॉर्कर, वो उन्होंने सोचा कि मैं शायद इसे क्या कर सकता हूँ, रीस्टोर कर सकता हूँ, शायद मैं इसे क्या कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। रीस्टोर करना मतलब होता है ठीक कर सकता हूँ, शायद मैं इसे। इट वुड बी अ रिस्क, ये एक तरीके का क्या है, रिस्क है, अ चैलेंज क्या है, एक तरीके का चैलेंज है मेरे लिए। बट आई हैड टू हैव इट, बट मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू रीस्टोर इट, मुझे इसे ठीक करना ही पड़ेगा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मैं उसे लेकर आ गया, और मैंने मैम उसको दुकानदार को पैसे दिए इसके, और मैं उसे लेकर आ गया और अपने गैराज, जो उनके गैराज था जहां पे कार पार्क होती, उसके पीछे एक कमरा बना हुआ था, उन्होंने रूम हिज वर्क रूम, वहां पे वो काम करते थे, वर्क रूम बनाया था उन्होंने, वहां लेकर आ गया। आई बिगिन ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने इसका काम करना कब शुरू किया, क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव हो गई क्रिसमस के एक दिन पहले की शाम, 24 दिसंबर, समझ में आ गया, 24 दिसंबर की शाम को मैंने उस पर काम करना शुरू किया, मैंने उसे ठीक करना शुरू किया। आपने देखा होगा एक सनमाइका लगी हुई होती है टेबल्स के ऊपर, या फिर एक सॉफ्ट सा सरफेस
बाहर निकालने की कोशिश करूं, बट मेरी सारी कोशिश क्या थी, नाकाम हो गई थी, क्योंकि वो बाहर आ ही नहीं रही। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। इन द एंड मुझे क्या करना पड़ा, ब्रूट फोर्स लगाना पड़ा, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा उसको बाहर निकालने के लिए। इट स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माय फिस्ट। और मैंने जैसे ही उसे अपनी मुट्ठी से जोर से निकालने की कोशिश की, फिस्ट क्या हो गई, हमारी फिस्ट क्या हो गई, हमारी मुट्ठी। और मैंने अपनी मुट्ठी से क्या करने की कोशिश करी, उसे निकालने की कोशिश की, और खींचकर मैंने उसको निकालने की क्या करी, कोशिश की खींचकर। तो वो वहां से निकली बाहर। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिलीव। और जैसे ही वो डोर ड्रॉर फ्लू, मतलब उड़कर तो नहीं आई होगी, जैसे मैंने प्रेशर दिया तो वो बाहर आ गई। एंड टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। अंडरनीथ होता है नीचे। मैंने क्या देखा कि उसके नीचे भी एक शैलो, शैलो मतलब खोखला स्पेस, मतलब ड्रॉर के अंदर भी एक ड्रॉर है, अ सीक्रेट ड्रॉर। मतलब कैसी ड्रॉर थी, एक सीक्रेट ड्रॉर थी। कैसी ड्रॉर थी, सीक्रेट ड्रॉर। देयर वाज समथिंग इन देयर। और वहां पर क्या था, एक समथिंग कुछ था उस ड्रॉयर के अंदर, कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ रखा हुआ था ड्रॉयर के अंदर। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल टिन बॉक्स। और मैंने जैसे ही उसको बाहर निकाला, मैंने क्या पाया, वो क्या है, एक तरीके का स्मॉल टिन बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स था उसके अंदर। एंड सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट, इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड न्यूज पेपर। और मैंने क्या देखा कि वहां पे एक पीस है, जो बॉक्स था टेन बॉक्स, उसके ऊपर पेपर नोट पेपर चिपका हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था इन अ शेकी हैंडराइटिंग, शेकी मतलब कांपते हुए हाथों से उस पर कुछ लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25th, 1950। जिम्स, जिम्स मतलब जिम का लास्ट लेटर जो कब रिसीव हुआ है, January 25th, 1950 को, राइट, टू बी बरीड विथ टाइम्स। और उसके ये भी लिखा होता डेट के साथ कि जब भी टाइम आए इसे मेरे साथ ही क्या कर दिया जाए, दफना दिया जाए। आई न्यू एज इट आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। ऐसा कहा जाता है कि किसी की कोई भी चीज अगर प्राइवेट चीज है तो हमें ओपन नहीं करना चाहिए, बट राइटर को भी ऐसा फील हुआ, माइकल को भी, कि मुझे इसे ओपन नहीं करना चाहिए। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्पोर्ट्स। बट जो क्यूरियोसिटी थी, जो क्यूरियोसिटी उत्सुकता थी, उसने मेरे जो मोरालिटी, मतलब मोरालिटी थी, मेरी जो नैतिकता थी, उसको क्या कर दिया, साइड में कर दिया। क्यूरियोसिटी मेरे ऊपर हावी हो गई। इट यूजुअली डज। और ऐसा ही होता है, जिस चीज, जिस काम को करने के लिए हमें मना किया जाता है या नहीं करना चाहिए, वही काम इंसान सबसे ज्यादा करता है। इन साइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलोप। इन साइड द बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवेलप था, एक लिफाफा था, द एड्रेस डीड, और उस पे एक लिफाफा एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडबोर्ड रोड। क्या एड्रेस लिखा हुआ था उसमें, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडबोर्ड रोड, ये एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उसको लेटर को निकाला और अनफोल्ड किया, मतलब खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। पेंसिल में लिखा हुआ था, उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी, December 26, 1914, मतलब क्रिसमस के एक दिन बाद, December 26, 1915। तो बस ये था हमारा पार्ट वन। अब पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट गो थ्रू द चैप्टर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, इसे यू कैन आस्क मी इट। एंड टुडेज होमवर्क इज डू द हार्ड वर्ड्स। आई एम राइटिंग द हार्ड वर्ड्स हियर। व्हाट यू हैव टू डू, राइट इट लाइक दिस ओनली हार्ड वर्ड्स। इसी तरीके से आप अपना होमवर्क करेंगे, हार्ड वर्ड्स लिखेंगे जैसे आप क्लास में करते हैं, फिर हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे और उसके बाद हिंदी में लिखेंगे। ये आपको करनी है। फर्स्ट इज योर स्पॉटेड। Junk shop.
clumsily. Monday. वर्ड्स दिए हैं जिनकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग आप दोनों साथ में करेंगे। फर्स्ट इज योर स्पॉटेड, जंक शॉप, क्लम्सी, मैंडेड, स्कॉच मार्क्स, रीस्टोर, ई, पुल्ड अप, स्टक, वेनेर, टॉय, अंडरनीथ, क्यूरियोसिटी, शेकी, इनका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों का करना है और आपको सारे मीनिंग्स करने हैं। इफ यू डोंट फाइंड एनी मीनिंग, अगर आपको कोई मीनिंग नहीं मिलता है आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे एंड यू हैव टू सेंड योर डेली बुक। मैंने आपको बता दिया है दिस इज योर रीडर बुक। रीडर बुक में आपको करना है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और इसी तरीके से आप यू विल डू द योर वर्क नीटली एंड वेरी क्लीनली। आपको नीटली और काम करना है work mailing to me and on Monday you will send your copies in the school for checking. Monday ko aap school mein bhejenge apni copies for checking. Fine. So this is all for today.